अजी नमस्कार, पहचाना हमका? हम है डमरू दादा, यही लोकल वाले। सुनने में आया है बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं कि हमें पता था बालेश्वर में जो हादसा होने वाला था, करमंडल वाले, वो जो हादसा है ना, वो पहले से हमें पता था। मैं कहा मोदी जी, आपके पास जो तीनों डिपार्टमेंट है ना, बहुत खतरनाक, बहुत सेंसिटिव, जैसे होम डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट और वो जो है ना जहाज, इसमें रिस्क रहता है, जान के खतरा है। तो इन तीन डिपार्टमेंट में बागेश्वर वाले बाबा को बिठा दीजिए, मंत्री बना दीजिए, मोदी जी इनको मंत्री बना दीजिए बागेश्वर वाले को, उनको पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। भक्त भी खुश रहेंगे, प्रभु भी खुश रहेंगे और बाबा जी तो माले माल हो जाएंगे, का दिक्कत है। अगर इतने इतने त्रिकालदर्शी हमारे देश में है तो डमरू दादा की मात मानिए, बागेश्वर वाले वो इन तीन डिपार्टमेंट दे दीजिए, जिसमें होम डिपार्टमेंट अगर इनके हाथ में आएगा तो कोई चोरी चमारी नहीं होगा, कोई डाका नहीं डालेगा, पुलिस पूरा सिस्टम से काम लेगा, आतंकवादी हमले भी नहीं होगा, जहाज और वो रेलवे वाले कितने साधारण लोग, गरीब परिवार से लोग जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, मर जाते हैं एक्सीडेंट में लापरवाही के वजह से। बाबा जी को तो सब पता है, पहले से बता देंगे ना, नहीं होगा। ऐसे ऐसे ढोंगी रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे आ जाते हैं और कैसे कैसे लोग इनको फॉलो करते हैं, देखने में दिक्कत होता है। जी भैया, डमरू दादा नाम है मेरा, यही चौपाई में रहता हूँ, कभी कभी टाइम मिले तो मोबाइल के सामने आ जाता, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ और चला जाता हूँ, बुरा मत मानना मेरे बातों को। नमस्कार।